गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज हमारे शहर पर एक खतरनाक दानव ने हमला कर दिया, यहाँ तक कि सामने वाला ब्रिज उसने पल भर में तबाह कर दिया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं उसका सामना करूँगा कैसे। गाइस सामने देखो वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए, चलो उनके पास चलते हैं और पता करते हैं वो वहाँ पर कर क्या रहे। लेकिन एक मिनट, उस दानव ने तो इतने बड़े जहाज को भी तबाह कर दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे वो दानव कितना खतरनाक होगा, पर जो भी हो मैं उसको खत्म करके रहूंगा। अबे ओए ये तो ट्रेवर है, तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर उस दानव को मारने आए हैं। मैं भी उसको मारना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तूने ऐसा किया तो उसके बाद क्या होगा? मैं तेरे को काफी सारा पैसा दूंगा। लेकिन वो मेरे को मिलेगा कहाँ? ब्रिज के ऊपर जो रास्ता है वहाँ पर। गाइस पैसों के लिए तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, बस मेरे को इस रास्ते को पार करके हवाई जहाज पर से होते हुए वहाँ पर पहुँचना होगा। शायद वो दानव वहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा करने में शायद मैं अपनी जान गवा दूँ। क्यों ना अपने साथ में ट्रेवर को ले जाऊँ। अबे नाम सुनते ही तो ये भागने लग गया, साला डरपोक कहीं का। पर मैं उसे नहीं जाने दूंगा, देखते कहाँ चला गया। अबे ओए वो तो यहाँ से गायब हो गया। लगता है मेरे को अकेले ही उस दानव को मारने जाना होगा। हियर वी गो, बस मेरा पैराशूट खुल जाए। पैराशूट ने तो मेरे को धोखा दे दिया। लेकिन जो भी हो मैं अपना मिशन पूरा करके रहूंगा। लेकिन गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से लाइक बटन दबा दो, ऐसा करने में आपको सिर्फ एक सेकंड लगेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं पुल पर आ गया, बस अब ऊपर जाने का रास्ता खोजना है। पर यहाँ तो सब टूटा हुआ पड़ा है, मतलब मैं आगे नहीं जा सकता। और आप लोग देख सकते हो आगे कोई रास्ता भी नहीं है। चलो कार को पीछे मोड़ कर कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं। लेकिन ये क्या है, वहाँ पर बाइक क्यों खड़ी हुई है? शायद इस तरफ से ऊपर जाने का रास्ता होगा। जल्दी से बाइक पर बैठ कर यहाँ से चलते हैं। लेकिन इसको बैलेंस करना तो काफी मुश्किल है। अबे ओए 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 दत तेरी की, मैं तो नीचे गिर गया, लगता है हड्डी टूटने वाली है। बैंड बज गई। लेकिन इस बार तो मैं पैदल ही ऊपर जाने वाला हूँ। पर ये सामने कौन है और मेरे पर गोलियां क्यों चला रहे हैं? इनकी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। जल्दी से ऊपर जाकर बाकियों का भी काम तमाम कर देता हूँ। क्यों बे मेरे को मारेगा तू? ये तो अपने ही साथी को मार रहा है। पर इसको मैंने मार डाला, देखो सभी नीचे जाकर मर गए। लेकिन ये वाला तो मेरे को किसी भी तरह से सार्क नहीं लग रहा। लेकिन ये सभी तो चमचे थे, इनका बोस आगे की तरफ होगा। मैं जल्दी से वहाँ जाकर उसका भी काम तमाम कर दूंगा। पर मेरे को संभल कर कूदना होगा क्योंकि छोटी सी गलती मेरी जान ले सकती है। यार वो तो वापस जिंदा हो गया। लेकिन ये क्या, उसने तो कूद कर जान दे दी। देखो सामने की तरफ ये वाला कितने आराम से सो रहा है। लेकिन बाथ टब में कौन सोता है? चलो इसको जगाते हैं। अब इसको भी नीचे गिरा देता हूँ ताकि आगे का रास्ता साफ हो जाए। बस अब मेरे को दौड़कर कूदना होगा। ओ भाई साहब बाल बाल बच गया। गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, पता नहीं और कितना ऊपर जाना है। ओ माय गॉड ये कौन सा वाला शार्क आ गया, मेरे को तो शार्क मैन लग रहा है। क्यों ना इसको जगाए बिना चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ। धत तेरी की ये तो जाग गया, अब वापस सुला देता हूँ। वो तो एक चाटा खाकर ही नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पर तो एक और शार्क मैन बैठा हुआ है। लेकिन अच्छा हुआ ये भी उसके जैसे गहरी नींद में। पर मेरे को इसको भी मारना होगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। गाइस आप देख रहे हो मैं कितनी ज्यादा ऊंचाई पर आ गया। अब मेरे को यहाँ पर पहले से ज्यादा संभल कर रहना होगा, अब मैं आगे संभल कर बढ़ूंगा। लेकिन ये क्या चीज है, कहीं मेरे को नीचे ना गिरा दे। पर मेरे को नीचे गिराना उतना भी आसान नहीं होगा। ओ भाई साहब यहाँ तो पहले से भी ज्यादा शार्क मैन है और इंसानों को खा रहे हैं। मैं इनसे पंगा नहीं लेने वाला, चुपचाप साइड में से यहाँ से निकल जाता हूँ। चल बे जल्दी से कूद जा। ओहो पर मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ सकता, कुछ तो करना ही होगा। क्यों ना नीचे वाले रैंप को गिरा दूं। यार ये सभी तो नीचे चले गए सिर्फ एक को छोड़कर। लेकिन मैं उसकी वजह से मिशन में और लेट नहीं होने वाला क्योंकि सामने और है, मेरे को उनको भी मारना है ताकि मैं जल्द से जल्द इनके बॉस तक पहुंच पाऊं। चल 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 जल्दी कर। अबे ओए नीचे जाने से थोड़ा सा बच गया, पर मैंने तो एक को मारा था, बाकियों को किसने मारा? ओ भाई साहब प्लेन तो नीचे गिर गया, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो प्लेन के साथ पानी में गिर जाता। गाइस सामने देखो मैंने उनके बॉस को खोज लिया। ये तो काफी अलग और बहुत गुस्से में लग रहा है। चलो इसके नीचे वाले टैंकर को फोड़ देते हैं। और ये बूम। ओहो गाइस आप देख रहे हो मैंने शार्क के बॉस को मार डाला, वो वहाँ नीचे जाकर गिर गया। चलो उसके पास जाकर पता करते वो जिंदा है या नहीं। अबे नहीं 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 गाइस वापस बाल बाल बच गया। सच में आज मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन इस दानव की किस्मत काफी खराब थी। पर अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं ऐसे शानदार वीडियोस बनाता रहूं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब
बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।